नमस्कार दोस्तों, सिकटा मरजादबा रक्सौल नरकटिया गजरूट को एक और ट्रेन मिली हुई है। हालांकि यह ट्रेन जो है पूजा स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है, तो आगे हम बताएंगे यह कौन सी ट्रेन है और इसका नंबर क्या होगा। तो वीडियो पर आप बन रहेगा और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं ऐसा वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बता दें कि रक्सौल सिकटा मरजादबा रूट पर जो है पहले सूखा पड़ा हुआ था ट्रेनों का, लेकिन अब जो है एक से एक ट्रेनों का जो है परिचालन इस रूट से किया जा रहा है। हालांकि पूजा स्पेशल के रूप में काफ़ी ट्रेनें चल रहे हैं, उसके अलावा त्यौहार स्पेशल के रूप में चली हुई हैं ट्रेनें। तो एक बात यह समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में जो है लगता है कि इस रूट को जो है कोई बड़ी ट्रेन भी दी जा सकती है रेगुलेटरी के लिए, तो मुझे यह उम्मीद लग रहा है। हालांकि बहुत से ट्रेनें इस यानी पर्व के मौके पर जो है ट्रेनें चलाई गई हैं, तो उसमें से एक और ये ट्रेन है। ये ट्रेन जो है आपको बता दें कि दरभंगा तक जाएगी और इसको जो है लखनऊ से शुरू किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि यह ट्रेन जो है बगहा में रुकेगी और बगहा से नरकटियागंज होते हुए जाएगी। यह कुछ छोटे रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया। जैसे इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, रेलवे द्वारा यात्रियों को अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए गाड़ी संख्या 017-62-61 लखनऊ दरभंगा पूजा स्पेशल गाड़ी परिचालन का निर्णय लिया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। यह परिचालन ट्रेन जो है 017-62 लखनऊ से 6 तारीख को, 8 तारीख को, 11 तारीख को, 13 तारीख को चलेगी। वहीं दरभंगा से बात करें तो 7 तारीख को, 9 तारीख को और 12 तारीख और 14 तारीख को यह दरभंगा से ट्रेन यह चलेगी। तो उसी तरह अगर हम बात करें इस ट्रेन की, अगर हम टाइम टेबल की और कहाँ यह ट्रेन रुकेगी, तो टाइम टेबल की अगर हम बात करें, यह लखनऊ से जो प्रस्थान करेगी 13 बजे यानी 1 बजे यह ट्रेन लखनऊ से खुलेगी। उसी तरह गुंडा, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी होते हुए दरभंगा तक जाएगी। अन्य ठहराव भी इस ट्रेन का दिया गया, जैसे मलहौर, मराबंकी, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर, आनंद नगर, कप्तानगंज, पनियाहवा, बगहा, घोड़ासन, बर्गिनिया, जनकपुर। तो यहाँ इस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया था। एक बड़ी अपडेट है, चूँकि छोटे रेलवे स्टेशन में भी यह ट्रेन रुकेगी। काफ़ी दिनों से इन छोटे रेलवे स्टेशन के लिए जो ट्रेन मांग की जा रही थी, एक स्पेशल ट्रेन है, लेकिन इसको जो है अब छोटे रेलवे स्टेशन पर भी जो है स्टॉपेज दिया गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब इस रेल लाइन का सिकटा मरजादबा रक्सौल और नरकटियागंज रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, तो अन्य भी ट्रेनें मिलेंगी। तो आपकी क्या राय हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।